हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह की 4 बजे खटपट की आवाज से मंजू की नींद खुल जाती है। तभी वो उबासी लेती हुई किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कोमल किचन में बर्तन धो रही है। तभी वो बोलती है, अरे ओ मजदूर, ये कौन सा समय है मजदूरी करने का? सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, काम करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। अब देखो मेरी जल्दी आँख खुल गई, तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटा लूँ। माना तुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम की खटर पटर में तू मेरी नींद क्यों उड़ा रही है? छोड़ दे ये सब, मैं खुद कर लूँगी। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, जाओ आप सो जाओ, मैं सब कर लूँगी। तुझसे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना है, मुझे क्या, लगी रह। इतना कहकर मंजू वापस सोने चली जाती है। कोमल एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी, साथ ही उसे हमेशा घर के काम करते रहने की आदत थी। एक दिन मंजू बाजार से सामान लेकर लौटती है तो देखती है कि कोमल सोफे पर बैठी सब्जियां काट रही है। तभी मंजू बोलती है, अरे तू ऑफिस से कब आई और ये क्या, आते ही सब्जियां काटने लग गई? काम करते करते थकती नहीं क्या? ओहो माँ, मुझे ऑफिस से आए पूरे 15 मिनट हो गए हैं, खाली बैठे मेरे हाथों में खुजली सी हो रही थी तो बस सब्जी और चाकू लेकर बैठ गई। अरे कुछ देर टीवी ही देख लेती ना, तेरे चक्कर में मैं तो पूरी आलसी ही होती जा रही हूँ। ससुराल में जाकर तू तो अपनी सास को ऐसे ही निकम्मा बना देगी, नहीं? माँ, आपकी बातों की सुई बिना घूम फिर के बस मेरी शादी पर ही आ टकती है। और क्या, चल काट दी ना सब्जी, अब खाना बनाने का कष्ट मुझे करने दे। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर प्रेस कर लेती हूँ तब तक। हाँ हाँ, जा मेरी मजदूर बेटी जा। और सुन, ज्यादा काम करने के चक्कर में कहीं पड़ोसी की छत से जाकर भी कपड़े मत उतार लाइयो। जिसके बाद कोमल छत पर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन शैलजा देवी अपने बेटे अंकित के लिए उसका रिश्ता लेकर उसके घर आती है तो देखती है तो कोमल झाड़ू पकड़े, बिखरे से बालों में कमर में दुपट्टा बांधे जाले साफ कर रही है। तभी शैलजा कोमल से बोलती है, ये मंजू बहन का ही घर है ना? जी जी, पर आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ, अपने बेटे के लिए उनकी बेटी कोमल को देखने आई हूँ। क्या? इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। तभी पूजा की थाली लिए मंजू वहाँ आती है और कोमल को शैलजा के सामने ऐसी बेहाल हालत में पीठ दिखाए खड़े देखकर तुरंत उसे इशारा करके अंदर जाने को कहती है और मेहमानों को चाय नाश्ता देकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ नालायक, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे देखने लड़के वाले आएंगे, अच्छी तरह तैयार रही हो, पर नहीं, तुझे तो आज भी झाड़ू माई बनकर जाले उतारने थे। माँ, मेरी क्या गलती है, मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले साफ सफाई कर देती हूँ। चुप, एकदम चुप, अब अपनी इस छपरी से हुलियों को बदल और जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल सजी सवरी बाहर आती है और मंजू बोलती है, लीजिए बहन जी, ये है जिसे देखने आप यहाँ आए, मेरी बेटी कोमल। पर माँ, इसकी शक्ल कुछ कुछ यहाँ की नौकरानी से नहीं मिलती। अरे बहन जी, ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले झाड़ू पकड़े खड़ी थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को साफ सफाई रखने की आदत है, तो बस वो सफाई ही कर रही थी कि आप लोग आ गए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो आपकी बेटी को काम वाली ही समझ बैठे थे। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद अंकित और कोमल पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय वो अपने ससुराल में अपने कदम रखती है। अगले दिन उसकी सास जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि कोमल नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी शैलजा बोलती है, अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल तैयार हो गई, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ सासू माँ, मैं उसी के लिए किचन में जाने वाली थी, तो बताइए क्या खाएंगी आप? बहू, तेरी पहली रसोई है तो अपने मन से कुछ भी मीठा बना ले, जब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है।
कुछ देर बाद जब वो मंदिर से लौट कर आती है तो देखती है कि टेबल पर सारा नाश्ता बना रखा है और कोमल वहाँ रखी कुर्सियों पर कपड़ा मार रही है। तभी अंकित भी आता है और बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह ये दावत किस खुशी में। हाँ बहू, मैंने तुझे बस मीठा बनाने को कहा था, फिर ये सब। और ये क्या, तू सुबह सुबह ही सफाई करने चालू हो गई। सासू माँ, मैंने सोचा कि मीठा बना ही रही हूँ तो लगे हाथ नाश्ता भी बना डालती हूँ। चलिए आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं फटाफट बर्तन धो दूंगी। अरे कोमल, तुम क्या वर्कोहोलिक हो, सुबह सुबह इतना नाश्ता बनाकर थकी नहीं कि अब तुम्हें बर्तन भी धोने हैं। हाँ बहू, तू बैठ कर नाश्ता कर, माना आगे जाकर तुझे ही ये सब संभालना है। पर अभी से इतने कामकाजी मत बन तू, नई नवेली दुल्हन है, कम से कम हाथ की मेहंदी छूटने तक कोई काम नहीं करेगी घर का। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अरे काम करते तो मैं बिल्कुल नहीं थकती, और वैसे भी जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगी उतना ही अच्छा है ना। उसकी बातें सुनकर शैलजा के मुंह पर ताला लग जाता है और इसी तरह कोमल हमेशा कुछ ना कुछ काम पकड़ कर करने लगती। एक दिन दोनों सास बहू बैठ कर पकौड़े खा रही होती है, तभी फर्श पर चटनी गिर जाती है और कोमल बोलती है, सासू माँ मैं अभी फर्श पे पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, अभी तो सारा काम करके बैठी है, रहने दे, पहले चैन से खा तो ले। हाँ तो साफ कर देती हूँ ना मैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी कोमल बाल्टी भर पानी और पोछा लेकर फर्श साफ करने बैठ जाती है और बोलती है, एक बार पूरे फर्श पे ही पोछा लगा देती हूँ वो सही रहेगा। अरे ओ कामकाजी बहू, क्यों साफ फर्श को भी दोबारा साफ करने की मजदूरी कर रही है। मैं तुझे बहू बना कर लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं कि सारा दिन कभी पोछा झाड़ू बर्तन सफाई यही काम करती रहे। अरे तुझे खाली बैठने में मौत आती है क्या। सासू माँ, काम होते हुए मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ, और मैं कौन सा आपसे काम करवा रही हूँ। आप जाइए आराम कीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो पूरे फर्श पर पोछा मारने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बेटे के साथ शैलजा के घर आती है, तभी कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी चाय पीते हुए लड़के की शर्ट पर चाय गिर जाती है। ये देखकर कोमल बोलती है, ओ शिट, ये तो गंदी हो गई। एक काम कीजिए, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं इसे धोकर प्रेस कर दूंगी। जी 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 जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दाग है, ये मैं कर लूंगा। अरे दीजिए ना, मैं फटाफट से धोके सुखा दूंगी। लो अब इसने यहाँ भी काम ढूंढ लिया, ये काम करने के चक्कर में बावरी हो गई है। कोई नहीं बेटा, बहू इतना कह रही है तो दे दे, धो देगी वो। जिसके बाद वो लड़का अपनी शर्ट कोमल को पकड़ा देता है और वो जाकर उसे धोने के काम में लग जाती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे शैलजा, तेरी बहू तो काम करने से बिल्कुल जी नहीं चुराती। उसी का तो रोना है, दो मिनट शांति से नहीं बैठती। अरे भला इतना कामकाजी भी कोई होता है क्या, देखा ना, काम मिल जाए इस चक्कर में छोरे की शर्ट उतरवा दी। अरे एक तेरी कामकाजी बहू है और एक मेरी निकम्मी बहू, ताने दे देकर मैं पागल हो जाती हूँ, पर टस से मस नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, शर्ट धुल जाए तो भिजवा दियो। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है, कोमल अपनी सास को अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है, जिसके बाद शैलजा उसे हर वक्त काम ना करने की सख्त हिदायत देती है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल बोर होकर हॉल में टहल रही होती है, तभी दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी को साइड करने के लिए वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और उसे पीछे करते हुए बोलता है, अरे पागल हो क्या, माँ ने ऐसे में भारी चीजें और झुकने के लिए साफ मना किया है ना, तुम मानती क्यों नहीं हो। मैं तो बस बाल्टी साइड कर रही थी। बस बहू, अब तो समझ जा कि इस हालत में हमेशा तू काम नहीं कर सकती, और ये मैं तेरी और तेरे बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अब से मैं एक ग्लास पानी पीने का काम भी खुद से नहीं करूँगी। अब खुश, आज से सारा काम काज आप ही करना। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ समय के लिए शैलजा की कामकाजी बहू का काम करना बंद हो जाता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।